गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटीज ऑफिशियल और एक बार वेलकम सबाई के सबाई केमन आशा करी भलो आओ भलो आची तो आज के भावलम एक रेसिपी तुम्हारे शेयर करा जाक। सो आज के फुलकपी दिए बाटा माचे झोल करब खूब ही सिम्पल भाव देखते ही पाच एन माच भाजते दिए माछ भाजा चलते ओदी के फुलकपी आलू टमेटो और तार संगे एक आदा और काँचा मरीच केटे नहीं ये देखते ही पाच और तार संगे आलू दिए फुलकपी टमेटो काँचा मरीच और एकटू आदा जस्ट सिम्पल भाव झोलटा करब तुम्हारा देखते थको खूब ही सहज पद्धति तुम्हरा करते देखते ही पाच एखे हमें फुलकपी एक सेद्ध करते दिए बसिए दिए तो ये एक सेद्ध कर कारण ताते भाजाटाओ भालो हबे खेते भालो लागबे और सेद्धटा करे ना निले एकेबारे डायरेक्ट भाजले विशेषकर एक सेद्ध होते प्रॉब्लेम है तरह एक सेद्ध कर बस भलो लागे और शीतकाले तो माछ दिए फुलकपी जल बस भलोई लागे बोल देखते ही पाच मैं सिद्ध चलते एखे माछ भाजा चलते। सो देखते कड़ाई तेल दिए दिए एबारे एक जिरे फोड़न देव दिए आलूटा भाजबो तारपर फुलकपिटा हल्का सेद्ध हो गेल तारपर एते दिए भालो करे भाजबो देखते जिरे फोड़न दिए दिए एबार आमी आलूटा देव तो देखते आलू भाजा होच्छे और एखाने फुलकपिटा आमार सेद्ध हो गेछे हल्का करे एबार आमी फुलकपिटा दिए सबे भेजे नेब भेजे नहीं तर देखा। तो देखते ही भाजा चलते ये भेजे नवर पर हमें टमेटोटा एक भाजा भाजा हो जाए तपर हमें टमेटोटा देव तर मसलापाती देव दिए भलोक एक कषे नब। सो देखते फुलकपिगुल अनेकटा एक भाजा हो गए एबारे टमेटोगो दिए देव कारण टमेटोगो एक भाजा है। तो देखते ही पाच टमेटो दिए दिए एबारे आदाटुकू हमें घुषे नहींटुकू आदा दिए देव आदाटा देवा कारण टेस्ट हार जो झोलटा और माँ देवा हो तो से एक आदा देवा एक भाजा हो जाए तपर मसला पाटीगुलो देव। तो देखो ये भाजा हो गए प्राय भाई भाजा हो देखते ही पाच लाल लाल को भाजा हो गए एबारे मसला पाटीगुलो दिए देव हमें परिमाण मतन देव तर लाखले देव नून परिमाण मतन ही दीते हैं तपर लाखले देव कारण बसि तक मुश्किल कम हम ठीक है देखते ही पाच हमें दो चामच दिए दिए देखो एखे सब रकम मसलापाती आम दिए देव ये देखते ये धने जिरे मिक्सड करा तो ये एक चामच ही देव और देव हाफ चामचर मतन हलुद और हल्का लंका दीब कारण बेसि झाल हमें खेते पर हल्क दी और देव देखते काश्मीरी मिर्ची तरह एक कलर हवर जो और किचु ना ये झाल है ना क्यों घबड़े जाए ना यार झाल है ना जस्ट एक कलर हवर जो देखते सुंदर लगा देखते ही पाच बस दारूण लागसे तैना कलर का बस सुंदर एस तैना देखो ये पूरा कषानो कमप्लीट एबारमें जल दिए देव परिमाण मतन देव कारण ये हल्का सेद्ध करा तो बसि जलटा लागबे ना एतटुकू तो लागबे एक आलूगुलो सेद्ध होबे और तारपर माछो देवा होबे तारपर झोलटाओ एकटू फुटबे एबार एकटू परिमाण मतो नून दिए दिते होबे कारण जल दिलाम तो
সো আর একটু নুন লাগবেই। দেখো বেশ কালারটাও সুন্দর লাগছে, দেখতেও সুন্দর লাগছে, তাই না? এবার এটা আমি কিছুক্ষণের জন্য সেদ্ধ হতে দেব, তারপরে আমি মাছটা দিয়ে 5 মিনিট ফুটিয়ে লাপিয়ে নেব। সো দেখো, সো দেখতেই পাচ্ছ এটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি ভেজে রাখা মাছগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। ভাবছো 5টা মাছ ছিল, এখন 3টে হয়ে গেল কেন? কারণ আমি ঝোলের মাছ খেতে পারবো না, কাঁটা ভীষণ, সেই জন্য আমি 2টো তুলে রেখেছি ভাজা আর 3টে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছ। সো এটা একটু ভালো করে ফুটিয়ে নেব ঝোলের মধ্যে, যাতে টেস্টটা হয় ঝোলের, দিয়ে আমি লাভিয়ে নেবো। 5 মিনিটের মতন ফুটিয়ে নেবো, তারপরে আমি লাভিয়ে নেবো। সো দেখতেই পাচ্ছ এটা ফোটানো কমপ্লিট, ফোটানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ ভালো করেই ফুটে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। তো দেখো আমাদের ফুলকপি দিয়ে মাছের বাটা মাছের ঝোল রেডি, দেখতেই পাচ্ছ। সো রেসিপিটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে জানিও, আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। পরের নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, সবাই ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই।